हेलो 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 एक बार कंफर्म कर दे वॉइस ओके है, है ओके 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 जल्दी से एक बार सभी बच्चे ओके कर दे कमेंट बॉक्स में ओके एक बार ओके लिख दे बेटा अगर सभी को वॉइस क्लियर है एक बार ओके लिख दे पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ में फटाफट प्रेजेंट ओके और जय हिंद के साथ शुरुआत करेंगे आज की क्लास की आज का टॉपिक अपना मैग्नेट और मॉडर्न फिजिक्स रहेगा जबरदस्त जलवा होता है मॉडर्न फिजिक्स और मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे तैयार करेंगे बेहतरीन लेवल पे जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ में तो तैयार हो जाइए क्लासेस की जो टाइमिंग है आपका 20 दिन का जो बैक टू बैक फायर रिविजन प्लान आपको प्रैक्टिस प्लान आपको जो दिया गया था उसमें सुबह छह बजे आपका वोकेब सात जीके नौ बजे सीडीएस मैथ नौ बजे एनडी आईसीजी मैथ्स ग्यारह बजे फिजिक्स है एक बजे इंग्लिश है तीन बजे आपके करंट अफेयर है चार बजे मिक्स प्रैक्टिस है मैथ्स का पांच बजे केमेस्ट्री है रीजनिंग स्पेशल आईसीजी के लिए छह बजे बायोलॉजी और छह बजे जनरल मैथ आईसीजी के लिए स्पेशल आपकी क्लासेज यहाँ पर आपको मिल रही है तो बढ़िया लेवल से आपको तैयारी करनी है ये जो क्लासेज होती है इसके सारे नोट्स नोट्स आपको आपका जो नोट्स बेच आपने कर रखा था उसमें आपको अवेलेबल होंगे तो जरूर से इनकी सेल्फ स्टडी टाइम बचा के प्रैक्टिस करने में यूज करना सेम चीज एयरपोर्ट वाले बच्चों को भारत टू पॉइंट बेच में आपको कंप्लीट नोट्स बेच आपको मिलेगा बैच अगर नया इनरोल कर रहे हो तो ये बेच इनरोल करने के बजाय अटल बेच इनरोल करना क्योंकि अटल बेच आपका तक रहेगा और अटल करोगे तो आपको नहीं रहेगी फिर से तो और आपने रखा है तो यहाँ पर, आपको वहाँ पर जो क्लासेज हो रही है उनके सारे नोट्स आपको ऑलरेडी अपलोड मिल जाएंगे बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए पहला सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए पहला सवाल आपका स्क्रीन पर महायज्ञ का टाइम टेबल का कम्युनिटी लगेगा जो मैं कल क्लासेज में भी लगवा दूंगा और आपके कम्युनिटी में भी लगवा दूंगा कल उसका टाइम टेबल okay. पर आर्मी में भी आता है एनडीए में भी आता है आईसीजी में भी आता है नेवी में भी आता है एयरफोर्स में भी आता है लेकिन इसका एक ट्रिक है बेटा वो याद करना बेटा ईट पर नाच किस पर नाच ईट पर नाच भाई लोग डीजे पर नाचते हैं हम तो ईट पर नाचेंगे ई फोर इलेक्ट्रॉन टी फोर टॉमसन टॉमसन पे फोर प्रोटोन रे फॉर रदर फोड रे फोर क्या आता है रदर फोर्ड ने फोर न्यूट्रॉन चे फोर चेडविक 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 जेम्स चेडविक जेम्स चैडविक इसके बारे में पूछ रहा है न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जेम्स चैडविक आ जाएगा ईट पर नाच ओके okay. किस पर नाचेंगे हैं ईट पर नाच ईट <laughs> पर नाच ओके okay. चलो आगे आ जाओ यहां पे गोल्ड का टॉम्सन का ये डाउट रहता है तो उसने दिया फिर नाम इसने दे दिया तो मान्यता इसको दे दी गई है बाकी ये याद आपको रखना है गोल्ड स्टेन वाले कन्फ्यूजन में नहीं जाना है ओके यस सर किसी विद्युत आवेश Q पे कार्य करने वाला एक बल एफ विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश को वेग से चुंबक के क्षेत्र के समांतर जाता है तो F बराबर होता है यानी बल बराबर होगा क्या ई व बी ई आपका विद्युत क्षेत्र है बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है बेटा एक चीज मुझे बताओ ये जो विद्युत आवेश Q है ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र है एक आपका विद्युत क्षेत्र है अगर कोई चार्ज पार्टिकल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक साथ अगर गति कर रहा है तो वहां पे दो बल लगेंगे जो विद्युत बल लगेगा वो तो होगा बेटा बराबर एफ बटा क्यू तो एफ बराबर क्यू ये तो विद्युत बल बल एक जो चुंबकीय लगता है वो लगता है क्वाब है ना तो साइन थीटा नब्बे एक हो जाएगा तो क्वाब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ वैक्टर बराबर क्यू वैक्टर या एफ वैक्टर बराबर क्यू v वेक्टर वेक्टर क्रॉस b अब ये दोनों में एक साथ गति कर रहा है तो टोटल फोर्स इन दोनों का टोटल आएगा यानी योग आएगा तो q e वेक्टर प्लस q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर तो बताओ इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा q कॉमन आ जाएगा तो अंदर e वेक्टर बचेगा एक आपका v वेक्टर क्रॉस आपका b वेक्टर बचेगा ये है आपका क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसमें दोनों नहीं दिया वी क्रॉस बी इसमें दोनों बल नहीं दिए अच्छा जो जाल बिछाया गया था उस जाल में शायद अपन फंस गए एक बार सवाल को फिर से पढ़ो और पढ़ते 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 जिस लाइन को मैंने इग्नोर किया शायद तुमने तो इग्नोर नहीं किया एक बार इस सवाल का जो इग्नोरेंस है जो मैंने कर दिखाया है और मेरी लंका लग गई है क्योंकि मुझे इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी अगर मैं कहूं कि मुझे इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी क्यों क्योंकि कुआब थीटा अगर वो चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो थीटा बराबर जीरो साइन जीरो का मान जीरो तो बताओ एफ बराबर तो जीरो हो गया यानी चुंबकीय बल तो आपका जीरो हो गया तो आंसर तो केवल क्यू ई ही आएगा क्योंकि विद्युत बल ही लगेगा और क्यू ई यहाँ पर पहला ऑप्शन है तो भैया यूपीएससी वालों को मानना पड़ेगा भाई अपन एडवांस में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे और उसने अपनी लंका लगा दी सवाल को पूरा नहीं पड़ा गौर से नहीं पड़ा इसके चक्कर में अपनी लंका लग गई यहाँ पे चुंबकीय बल जीरो हो गया क्योंकि वो उसके पैरेलल है और साइन जीरो का मान जीरो टाटा बाय बाय तो टाइम भी वेस्ट हुआ लंका भी लग गई लेकिन चलो कोई बात नहीं है एक सबक मिल गया आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन बनते कम है देखो बेटा क्वेश्चन बनते क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको चीज़ें क्लियर होगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सवाल सफिशियंट है लेकिन सवाल सफिशियंट तब हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्योंकि सवाल तो बनेंगे लेकिन पेपर में एज इट इज सवाल आए ये जरूरी नहीं तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप सवाल बना पाएंगे आप इस सवाल को रट लो ऐसा आएगा तो कर लेंगे लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से रिलेट किया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर वो सवाल आपके लिए अनुट हो गया नहीं है तो बेटा सवाल के साथ साथ उसके पे भी काम करो ये जरूरी है नाभिकीय के रिएक्टर में मोडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं यूरेनियम नहीं कैडमियम अरे कैडमियम किसका यूज होता है कैडमियम, के रूप में? कैडमियम का यूज किसके लिए होता है कंट्रोल रोड के रूप में भारी जल है ना बेटा Heavy water D2O. इसके एक दो एग्जाम्पल और हैं जो मैं आपसे कमेंट में लिखवाना चाहता हूं अगर पॉसिबल है तो देखो एक आता है ग्रेफाइट पहले तो बताओ मॉडरेटर का, का काम क्या होता है ये जो न्यूट्रॉन बाहर आते हैं ना ये मुंडी हिलाते हुए फड़फड़ाते हुए विखंडन से निकल के न्यूट्रॉन बाहर आते हैं भाई साहब ये वो नारे लगाते हुए पकड़ के दो चाटे पकड़ के शांति से बैठ जाए इधर उठा के वापस डाल दूंगा अभी है जेल में तो वो न्यूट्रॉन उधर जाके शांति से बैठ जाता है उसे कहते हैं मोडरेटर के रूप में यूज करना तो इसमें आपका हेवी वाटर डी टू ऑक्साइड ग्रेफाइट इनका यूज किया जाता है मोडरेटर के रूप में कैडमियम का यूज होता है कंट्रोल रोड के रूप में तो फिलहाल अपना बी आंसर राइट आंसर नेक्स्ट बड़ी गजब कंजूसी कर रखी है कमेंट बॉक्स में और लाइक बटन दोनों पे इतने कंजूस इतने कंजूस। फास्ट एक अर्धचालक उपकरण एक श्रृंखला परिपथ में बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है विद्युत परिपथ से गुजरते हुए पाया जाता है यदि बैटरी की ध्रुवता बदल दे ओए होए होए। अगर तुम बैटरी के प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो तो धारा जीरो हो जाती है तो ये अर्ध चालक क्या है बेटा आपको याद है एक डायोड का नाम होता है ये पी सॉरी ये वाला हिस्सा पी और ये वाला एन अगर आप इसको बैटरी से पॉजिटिव को पी से नेगेटिव के एन से जोड़ोगे तो ये होता है फॉरवर्ड बाईस तो इसमें करंट जाएगा लेकिन अगर तूने बैटरी उल्टी कर दी प्लस पी को माइनस से जोड़ा और एन को अगर प्लस से उल्टा करके जोड़ दिया ये हो जाता है रिवर्स बाइस पस से बाइस और इसमें करंट फ्लो नहीं करता उसमें करंट फ्लो नहीं करता तो वो वो सेमीकंडक्टर डिवाइस का क्या नाम है कमेंट कर दो सेमीकंडक्टर डिवाइस का नाम है पीएन जंक्शन डायोड पी एन जंक्शन डायोड पी एन जंक्शन डायोड पी एन जंक्शन डायोड ऑप्शन आपका डी तुम यहीं फंस गए मुझे पता है तुम यहीं फंस गए पहले दूसरे ऑप्शन पे ही आगे चलना पड़ेगा बाबू डी ऑप्शन तक जाना पड़ेगा तब आंसर मिलेगा अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है हिंद बेटा जय हिंद नमस्ते के 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 दाएं हाथ के नियम अनुसार के तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा गति की दिशा तो फैली हुई मध्य में अंगुली किसकी दिशा को बताएगी याद है इसको अपन बोलते थे एप बी आई का नियम एप बी आई तो बल लगेगा उधर गति करेगा बीच क्षेत्र और ये मिडिल फिंगर किसको बताएगी मिडिल फिंगर किसको बताएगी जल्दी बताओ एफ बी आई मिडिल फिंगर किसको बताएगी एफ बी एफ बी आई बेटा जल्दी देखो फास्ट मिडिल फिंगर किसको बताएगी मिडिल फिंगर किसको बताएगी <laughs> अरे अड़के में ले रहे हो तुम्हें क्या लगता है यूपीएससी वाले धीरे धीरे पेपर का लेवल इजी करेंगे जी पेपर का तो लेवल इजी करेंगे लेकिन मेकअप का लेवल बढ़ा देंगे जनाब सी <laughs> और डी में क्या फर्क है फ्लेमिंग pues के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि तर्जनी अंगुली चुंबक के क्षेत्र की दिशा को अंकित करे अंगूठा चालक की गति की दिशा को अंकित करे तो फैली हुई में अंगुली किस दिशा को अनुमान लगाएगी धारा जो उसमें प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा को फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है ये वास्तविक धारा के लिए आता है ये प्रेरित धाराओं के लिए आता है दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम तो ये दाएं हाथ का नियम है बाएं हाथ का नियम तो ये कंफ्यूज मत करना इसमें अपन फंस जाएंगे और यही गड़बड़ी अपन करते हैं यही गलती अपन करते हैं ठीक है प्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल जल्दी करो जल्दी बताओ बेटा अरे यार इतना जल्दी पिघल गए कॉन्फिडेंस खो गए परमाणु बम में उत्पन्न ऊर्जा का कारण परमाणु बम यूरेनियम 235 भाई रे फूटेगा फूटेगा भाई फूटेगा फूटेगा यूरेनियम हैं है। है, यूरेनियम 235 जो इजीली मिल जाता है ए, न्यूट्रोनों की श्रृंखला बिक्रिया न्यूट्रोन की इससे टक्कर करवाएंगे यूरेनियम दो याद आया कुछ एक न्यूट्रॉन की टक्कर होके कितना बढ़ाता है ये दो सौ टूटता है दो हिस्सों में मैं आपसे एक बात बोलने वाला था मैंने कहा यार इतना जल्दी, विरोध नहीं किया बच्चे ने। है? इतना जल्दी विरोध नहीं किया यार ये सवाल पे मैं आगे वाले पे आया आपने नहीं कहा सर पीछे चलो हैं पीछे चलो सर सर पीछे चलो हैं कॉन्फिडेंस नहीं आया था या क्या चक्कर था मैं बार बार एक शब्द पे गोला लगा रहा दाइने हाथ का नियम है हाथ का नियम है कन्वेंस कर रहा हूं मैं अगले सवाल पे चला गया मैंने कहा नहीं सर पीछे चलो पीछे पीछे तो देखो पीछे तो देखो सर पीछे तो देखो लेकिन तुम मानने के लिए तैयारी नहीं है बेटा दाइने हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा देता है प्रेरित धारा की दिशा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर बहुत सारे बच्चों ने सी दिया लेकिन मैंने इसको डीपे एक्सप्लेन किया तो विरोध नहीं आया तो मुझे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया बच्चे एक दो बच्चों ने शायद कमेंट किया था जब मैं अगले क्वेश्चन आया मैंने कहा बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे बेटा दाहिने हाथ पे मैंने गोला लगाया और वही एक बड़ा रीजन इंड्यूस्ड करंट को बताया गया इंड्यूस्ड आपका सी ठीक है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं लेकिन बेटा थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान पाया जाता है परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान पाया जाता है इलेक्ट्रॉन आवेश नाभिक बेटा किसी भी एटम का सबसे ज्यादा द्रव्यमान कहा केंद्रित होता है परमाणु का सबसे ज्यादा द्रव्यमान कहा केंद्रित होता है और जहां केंद्रित होता है उसको उसने क्या नाम दिया था परमाणु का जो सबसे ज्यादा था उसको नाम दिया था उसने नाभिक द्रव्यमान केंद्रित माना माना जाता जाता है? है। उसके नाभिक में तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर कथन <laughs> एक आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक छड़ में एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव हो क्या बात करते हो आवश्यक नहीं है कि छड़ चुंबक में भाई जरूरी प्रत्येक छड़ चुंबक में ये आवश्यक नहीं है आ मतलब तुम एन पोल काट के तू ले जा बाबू एस पोल काट के बाबू तू ले जा और जब मर जाए तो तुम आ जाना वापस है और मैग्नेट को मिला लेना क्या बात करते हो ये जरूरी नहीं है क्या बात इसके बिना मैग्नेट बन ही नहीं सकता भाई मैग्नेट का सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता आप एन और को अलग कर ही नहीं सकते जन्म जन्मांतर अलग नहीं कर सकते उनको तो गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत ठीक है चुंबकीय ध्रुवे जोड़े में होते हैं हाँ ये बात सही है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पहला करेक्ट पहला रोंग है दूसरा करेक्ट है डी ऑप्शन चेक करो देखे बेटा चेक करो एक बार फटाफट से सिंगल कभी रह ही नहीं सकता सिंगल कभी हो ही नहीं सकता ये तो जोड़े में रहेगा बिल्कुल जोड़े में रहेगा आप अलग नहीं कर सकते इसको ठीक है यस नेक्स्ट फास्ट, जल्दी चुम्बकीय बंधन ऊर्जा किसका निर्धारण करती है बांध के रखने वाली ऊर्जा जितना ज्यादा खर्चा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी छोड़ के जाने का खतरा कम है <laughs> तो बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा खर्चा कम किया लंका लगना तय है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है <laughs> किसी तत्व के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है किसी तत्व के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन जितने प्रोटॉन उतना परमाणु क्रमांक बड़ा सिंपल था ये मतलब गजब का क्वेश्चन हलवा बना दे सवाल का हैं वो मैं कल मैं गजब का सवाल से मुझे याद आया कल मैं ऐसे ही YouTube पे तो वीडियो देख रहा था तो एक मेरे सामने अचानक वीडियो आया चुरा लो चुरा लो पैसे नहीं है चुरा लो फिर क्या बोला उसने चुरा के भाग जाना हाथ मत आना नहीं तो फरवरी बना देंगे वाही गजब की आवाज है ही क्या टैलेंट है तो भाई साहब इस सवाल के तो लंका लगा दी परवरी बन गई इसकी पौती घटना और खोजकर्ता का निम्नलिखित में से कौन सा में सही ढंग से सुमेलित है सही ढंग से सुमेलित है सही कौन सा है देखो बेटा मैंने याद करवाया था जेम्स चेडविक है ना इट पर नाच नाच ऐट पर नाच मैडम क्यूरी मैडम क्यूरी रेडियम के लिए आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो सही कौन सा है ठीक है सही उत्तर चुने सही कौन सा है भाई सही तो केवल इसमें एक ही है जो सही मिलान वाला है वो केवल एक ही सही मिला हुआ है तीन नंबर वाला केवल ये सही है मैडम क्यूरी वाला रेडियम का तो केवल और केवल डी ऑप्शन आएगा केवल एक ही ऑप्शन है जो सही मिला है <laughs> Next Next, Next. साइक्लोट्रॉन एम द्रव्यमान और आवेश क्यू के कणों को त्वरित करता है निकलने वाले कणों की कुल ऊर्जा समानुपाती होगी। एम द्रव्यमान और क्यू आवेश के कणों को त्वरित किया जाता है क्यू स्क्वायर बटा टू एम क्यू स्क्वायर बटा टू एम जो ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होगी जो ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होगी वेग v बराबर क्यू बी आर देखो q आवेश क्षेत्र आर त्रिज्या है और q b r और मास उसका क्या लेते हैं है। तो वेग v का फॉर्मूला तो ये याद कर लेना अब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एक बटा दो एम बी स्क्वायर तो बेटा देखो एक बटा दो एम वी का वैल्यू क्या है ये रहा तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर r स्क्वायर और बट्टा आपका क्या आ जाएगा बेटा एम है ना तो एम का स्क्वायर होगा तो एम स्क्वायर हो गया एक एम से एम कट जाएगा तो ई e बराबर क्या हो जाएगा एक बट्टा दो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टा एम तो बेटा किसके समानुपाती है? है तो देखो ऊपर क्यू स्क्वायर और नीचे एम तो पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है क्या चेक करो एक बार पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है क्या बाकी को हटा दिया है बी स्क्वायर आर स्क्वायर तो नहीं दे ही नहीं रखा इसमें तो जो ऊर्जा है वो डायरेक्ट समानुपाती हो गया क्यों स्क्वायर बटा एम यहाँ पे बी स्क्वायर आर स्क्वायर भी आ सकता था बट ऑप्शन में नहीं दे रखा है जे मेकअप के रूप में तो उससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है बेटा तो भी कोई तकलीफ नहीं है बेटा कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर और अभिकेंद्रीय बल मिलेगा कहाँ से चुंबकीय बल से चुंबकीय बल क्या होता है थीटा सर्कल में घूमते हैं थीटा नब्बे तो बेटा यहाँ पे देखो एक वी से एक वी कट जाएगा तो वी बराबर देखो क्यू बी आर ऊपर जाएगा एम का भाग लगेगा एम आ जाएगा तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला बना लो फॉर्मूला बना लो ठीक है फिर आगे चलो ठीक <laughs> है वीडियो क्वालिटी हाँ बेटा मैं उस स्टूडियो पे भूल जाता हूं रोज आज टीम को बोलता हूं तो उसमें जो वीडियो क्वालिटी है वो बढ़वा देंगे ठीक है अभिक्रिया को पूर्ण ये अभिक्रिया बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बेटा सीखना बढ़िया सा सवाल बनेगा आपका यहां से देखो यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन की टक्कर होगी आपको पता है न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है जीरो एन और वन देखो बेटा ये कितना हो जाएगा पैंतीस और एक छत्तीस छत्तीस और यहाँ पे कितने बेटा तीन न्यूट्रॉन देखो बेटा कितना हो गया इसको तुम ऐसे लिखो बढ़िया रहेगा है ना तो बेटा ये तीन गुणा एक कितना हो गया तीन तो बेटा एक सौ चम्बालीस और तीन कितना हो गया एक सौ चम्बालीस और तीन एक सौ सैतालीस और टोटल कितना था पैंतीस और एक दो सौ छत्तीस दो सौ छत्तीस में से एक सौ सैतालीस माइनस करो सोलह में से सात गया तो नौ और बारह में से चार गया तो आठ एट्टी नाइन बचेगा क्या एट्टी नाइन चलो यहाँ तो बच गया एट्टी नाइन अच्छा एट्टी नाइन आपका यहाँ पे क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन चलो एटी नाइन के बाद में छोड़ेंगे मान लो उसको एक्स है वो हां x मान लिया थोड़ी देर के लिए बाद की बात की बातें बाद में करेंगे ये 92 56 गया इधर यहाँ पे क्या होता है इसमें जीरो तो 56 92 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 36 और 36 किसका होता है 36 क्रिप्टोन का होता है 36 लेकिन 91 89 चाहिए 36 90 नहीं 36 92 नहीं पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्रिप्टोन आ गया इसकी जगह 36 क्रिप्टोन ये आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया बढ़िया सा, अच्छा सा ठीक है ओके बढ़िया सवाल था सर 235 से माइनस होगा बिल्कुल बेटा ये देख क्या लिखा है इधर देख इसको देख पहले इधर की अभिक्रिया जीरो एन वन न्यूट्रॉन लिखा है ना जीरो एन वन प्लस दो यूरेनियम में आएगा यूरेनियम दो इसको यहां पे माइनस करके अभी बैलेंस करना है बैलेंस करके चेक कर लो टू चंबालीस तीन सैतालीस और नवासी क्या दो सौ छत्तीस आ रहा है क्या बिल्कुल आ रहा है तो आ रहा है तो फिर आपका इक्वेशन बैलेंस है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर प्रकाश के अनुप्रयोग द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को इस रूप में जाना जाता है प्रकाश के अनुप्रयोग द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को के रूप में जाना जाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन धातु की सतह से ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव बी ऑप्शन आपका राइट आंसर नेक्स्ट देखिए एक ही दिशा में एक दिश धारा ले जाने पर दो लंबे तार एक दूसरे के करीब रखे गए हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है एक ही दिशा में एक दिश धारा ले जाने पर दो लंबे तार एक दूसरे के करीब रखे गए हैं बेटा सेम डायरेक्शन में है ना एक ही दिशा में बस दो चालक तार हैं सेम दिशा में करंट फ्लो कर रहा है दो चालक तार हैं और सेम डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है अगर सेम डायरेक्शन में होगा एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा अगर सेम डायरेक्शन में होगा अट्रैक्ट करेंगे है ना इनके बीच में आकर्षण होगा अगर डायरेक्शन इनकी अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे बट फिलहाल सेम डायरेक्शन है ऑप्शन आपका ए राइट आंसर नेक्स्ट अगला सवाल अगला सवाल अर्धचालकों का ग्राफ अर्धचालकों का वीआई ग्राफ अर्धचालकों का वीआई ग्राफ ग्राफ अर्धचालकों का चालकों का स्टेट होता है लेकिन अर्ध चालकों का कैसा होगा अर्द चालकों का क्या होगा बेटा अर्ध चालकों का ग्राफ होगा आगे से मुड़ जाता है घूम जाता है और जब आगे से मुड़ता है तो आपका ए अरे वा भाई बीस में इधर है बेटा सी इधर है तो अपना आंसर सी आएगा आपने इसको बी तो नहीं बोल दिया हाँ बोल दिए अब मैं क्या मान लू ये बी आप ये बता रहे हो या बी ये बता मैं हर बार के हिसाब से ए फिर बी फिर सी फिर डी तो मैं उस हिसाब से इसको बी मान रहा हूं जो आपने आंसर दिया है है ना ठीक <laughs> है तो मैं इसको गलत नहीं कहूंगा कि आपने गलत कर दिया है ओके okay, कोई बात नहीं इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका नेक्स्ट ई प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक मेजोरिटी चार्ज कैरियर पी में पी से बेटा याद रखना पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब इसमें ज्यादा क्या होंगे बेटा होल ज्यादा क्या होंगे होल एन का मतलब नेगेटिव नेगेटिव का मतलब इसमें ज्यादा क्या होंगे इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा क्या होंगे इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा क्या होंगे इलेक्ट्रॉन तो पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे आपके कोटर अच्छा बेटा एक चीज और होल को कोटर भी कहते हैं होल को क्या कहते हैं कोटर भी कहते हैं है ना होल को हिंदी में कोटर भी बोलते हैं कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए बेटा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर ओके चलो नेक्स्ट वृक्ष की आयु का इनमें से किसके रेडियो समस्थानिक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि भाई ये कितना पुराना है इनकी आयु का पता किससे लगाते हैं वृक्षों की आयु का पता ये पेड़ कितना पुराना है ये वस्तु कितनी पुरानी है उस प्रक्रिया को बोलते हैं कार्बन डेटिंग से क्या बोलते हैं कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग क्या बोलते हैं उसे कार्बन डेटिंग डेट नेक्स्ट एक आवेश के क्षेत्र के समांतर निश्चित वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो अगर बेटा कोई चार्ज पार्टिकल चुंबक के के क्षेत्र समांतर है तो बेटा उसका पात कैसा होगा अगर बेटा कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है तो उसका पात कैसा होता है तो उसका पात होता है सर्कुलर मोशन करेक्ट अगर कोई चार्ज पार्टिकल चुंबक के क्षेत्र के पैरल आता है तो उसका पाथ कैसा होगा कोई बदलाव नहीं होगा वो तो सीधा जाएगा बेटा विदाउट एनी चेंज वो तो सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन कर जाएगा अगर परपेंडिकुलर होता अगर ये परपेंडिकुलर होता तो क्या होता अगर ये परपेंडिकुलर होता तो सर्कल में घूम जाता परताकार पथ में जैसे ये वाला अगर लंबवत होता ना तो यह आता सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट हर दायु काल मापा जाता है हर दायुकाल मापा जाता है हर दायुकाल किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है अर्धायु काल मापा जाता है अर्धायु काल मापने का जो डिवाइस है सिस्टम है उसे कहते हैं गीगर मूलर काउंटर काल मापने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है गीगर मूलर काउंटर गीगर मूलर काउंटर अर्धायु काल मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे याद करो इसको ये फिक्स क्वेश्चन है डीगर मूलर काउंटर का प्रयोग करके काल पता किया जाता है धारा प्रवाहित सोलेनोइड के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है सोलेनोइड परिणालिका कौन सा कतन सही है सोलेनोइड बेटा परिणालिका देखिए आपने कैसे बनती है देखो ऐसे है ना फिर इस पर क्या कर देते हैं देखो इस पर क्या कर देते हैं तार लपेट देते हैं देखो तार ऐसे लपेटे और फिर ये इधर से नीचे आ जाएगी इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बेटा देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है ये सोलेनोइड है ये करंट आपका आई है ये फेरों की संख्या एन है एल इसकी लंबाई मान लो आप जो भी आपको दी गई है तो सोलेनोइड के लिए पारिनालिका के लिए सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है बिल्कुल एक समान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करने की युक्ति डिवाइस एक समान क्षेत्र उत्पन्न करने की युक्ति सोलेनोइड परिणालिका ठीक है पहला ही आंसर अपने को राइट आंसर मिल गया तो आप आगे जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी बाकी देख लो लेकिन अरे सही थोड़ा आगे भी देखो मेरा एक और सवाल नेगेटिव <laughs> सही नहीं है पहला सही है अच्छा जी आगे चलो धारा प्रवाहित सोलेनोइड एक बार चुंबक की तरह हाँ। धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबक की तरह काम भी करेगा। ये भी करेगा सही है के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा में वृद्धि के साथ हाँ अगर करंट बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा तो ये भी आपका सही है यदि सोलेनोइड के अंदर एक नरम लोहे की छत डाली जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो ये गलत बोला वही रहता है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है वही रहता है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है।, है चलो नेक्स्ट मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा मूल अवस्था में मूल अवस्था में मूल अवस्था में मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा आयनन मतलब निकालने वाली ऊर्जा और निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं बाहर से वो किस में देंगे प्लस में देंगे और मूल पहले स्तर की देखो इसमें मूल स्तर इस का मतलब n बराबर एक एन बराबर ई एन बराबर कितना होता है माइनस का तेरह पॉइंट छः बटा n स्क्वायर तो बताओ पहले स्तर की ऊर्जा माइनस का तेरह पॉइंट छः बटा n का वैल्यू एक यानी माइनस का तेरह पॉइंट छः लेकिन आयनन ऊर्जा यानी निकालने के लिए देने वाली ऊर्जा तो ये ऊर्जा किस हो जाएगी फिर है? प्लस में हो जाएगी तो प्लस की तेरह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी ऑप्शन फास्ट थोड़ा जल्दी से रिप्लाई कर दे बेटा एक बार फटाफट और जो बच्चे बाद में क्लास में आए बेटा लाइक बटन पे जरूर प्रजेंट लगा दें लाइक बटन पे जरूर प्रजेंट लगा दें बेटा लाइक बटन पे जरूर प्रजेंट लगा दें पृथ्वी का चुंबक के चित्र किस स्थान पर छेतीज हो जाता है पृथ्वी का चुंबक के क्षेत्र किस स्थान पर क्षेत्रिज हो जाता है क्षितिज यू हॉरिजॉन्टल हो जाता है क्षेत्र हो जाता है किस स्थान पर चुंबक क्षेत्र जो पृथ्वी का है वो एक होता है वर्टिकल तो बेटा वर्टिकल तो होता है आपका पोल पे और हॉरिजॉन्टल हो जाता है आपके इक्वेटर पे इक्वेटर पे क्या हो जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहां पे हो जाता है पोल पे पोल पे क्या हो जाता है वर्टिकल हो जाता है ओके okay? चलो नेक्स्ट स्पीड मेंटेन करो थोड़ा सा फास्ट चलो निम्न में से किस उपकरण में ऊर्जा निम्न में से किस उपकरण में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को रही है तो ताजा हलवा है निम्न में से किस उपकरण में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपने से धारा बनाने में तो ये तो जो सेल काम में लेते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं सोलर सेल है ना सोलर सेल जो बड़ी बड़ी प्लेटें लगाते हैं ना बेटा उन पे सूर्य का प्रकाश गिरता है।, है ना और फिर उस प्रकाश से क्या बनाते हैं अपन करंट बनाते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट हो गया कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया कि जो प्रकाश आ रहा है प्रकाशी ऊर्जा है और बदर किसमें रहा है विद्युत ऊर्जा में तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्या सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर क्लियर है चलो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बेटा याद रखना नेक्स्ट एक और ताज़ा हलवा एक बात तो है बेटा वो सही कहा है किसी व्यक्ति ने कि लालच बुरी बला है लालच नहीं खाना चाहिए मैंने कल लालच किया छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कल मैं खाना खा रहा था तो अब ने कहा कि मुझे भी खाना आपके साथ खाना मैंने कहा ठीक है अब उसकी डिमांड अलग है फ्रिज की ठंडी छाछ उसको पीनी है वो भी शाम को तो उसने मंगवा ली तो फिर मेरा भी वो कहते हैं ना जी लालचाए रहा नहीं जाए लार टपके यार ठंडी छाछ थोड़ा सा पी लेते हैं क्या फर्क पड़ता है और भाई साहब मैंने पी ली टेस्ट करने के लिए भाई कैसी लगती है ये डरते हुए कि कहीं लंका ना लग जाए और वो डर सही साबित तो हुआ आज बैंकर पेन हो रहा क्या बताए है? है? ना लालच बड़ी भाई सा बड़ा भयंकर पहनकर पानी पीता हूं तो भी दर्द है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति अच्छा? बेटा क्षेत्र, सुई को लेके ले आए टिक टिक, टिक. ले टिक, टिक टिक तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई आते ही वो क्या करेगी वहां पे विक्षेप लेके आएगी डिफ्लेक्शन आएगा उसमें तो चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र की, की उपस्थिति के बारे में बताती है बिल्कुल हलवा बिल्कुल हलवा बिल्कुल हलवा ठीक है चलो नेक्स्ट की न्यूनतम तरंग दिर दे? बेटा गलत मत करना कल हमने इस पे दो तीन सवाल कर लिए थे फिर एक बार बता देता हूं रमी लाल उल्टा फस गया इधर आपका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है इधर आपका वेव लेंथ मिनिमम होता है इधर आपका फ्रिक्वेंसी मिनिमम होता है इधर आपका फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होता है सवाल पे बात करते हैं मिनिमम वेव लेंथ गामा गामा है क्या यस मिनिमम वेव लेंथ एक नंबर पे गामा आएगा जिसकी सबसे कम होगी गामा के बाद में एक्स दो नंबर पे। उसके बाद में अल्ट्रावायलेट नहीं उसके बाद में बीटा किरणें नहीं होती बीटा पार्टिकल होता है अल्फा किरणें नहीं होती अल्फा कण होता है तो ये दो वैसे भी पॉसिबल नहीं है तो गामा का सबसे कम उसके बाद में अगर पूछे तो एक्स बताओ फिलहाल अपना आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर। फिलहाल अपना आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट एक परिणालिका में तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई है और प्रति इकाई लंबाई में घुमावों की संख्या एन है यदि परिणालिका के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र बी देता है यदि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को बढ़ाकर टू एन कर दें, तो परिणालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा परिणालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा <laughs> सोच लो दिमाग लगा लो सोच लो ताजा अलवा तो नहीं है लेकिन फिर भी पैरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई पैरों की संख्या दुगनी यानी एन की जगह टू एन कर दें तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर मैं कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है प्रति लंबाई में फेरों की संख्या के मैं इसको स्मॉल एन ही लिख लेता हूँ क्योंकि पहले भी स्मॉल एन ही दे रखा है ना हाँ जी अगर मैं कहूं कि मैं एन को अगर टू एन करूंगा तो क्या मैं बी को टू बी करूंगा परिणालिका में चुंबक के चित्र का अगर आपको फॉर्मूला याद करना है न्यूमेरिकल के लिए तो बी बराबर म्यू नोट एन आई से याद रख लेना अगर इसकी जरूरत ना पड़े तो कुल फेरों की संख्या एन आई कैपिटल एन में एल का भाग लगाते हैं तो इसे बोलते हैं प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या जिसको हम स्मॉल लिखते हैं एन तो मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है बेटा अब इस सवाल को गलत मत कर लेना पेपर में किसी भी कीमत पे ठीक है ओके चलो बी ऑप्शन आगे चले निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है वो बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है वो बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे, तरंगे नहीं है देखो बेटा गामा किरणें है बीटा किरणें नहीं होती है बीटा कण होता है एक्स किरणें होती है उसमें ये किरणें होती है इंफ्रा रेड बोल दो आप इसको और बोल दो बट ये बीटा हमारा आंसर होगा क्यों होगा बीटा क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है उसका नाम बताना है और वो होगा आपका बीटा कण बीटा पार्टिकल बीटा कण है बेटा किरणें नहीं होती है बीटा क्या है बीटा अल्फा ये कण है ये पार्टिकल है नेक्स्ट रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था रदरफोर्ड क्या कह रहा है का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है किसके लिए जाना जाता है कण पर के ना प्रयोग कणों की बोछार करवाई थी स्वर्ण पन्नी पे तो उसका जो कंक्लूजन था उसका जो निष्कर्ष था उससे क्या निकल के आया था उसने कहा था कि बाकी अल्फा कण सीधे चले गए कुछ अल्फा कण किसी कोण पे मुड़ गए और लाखों में एक अल्फा कण ऐसा था लाखों में एक कण ऐसा था लाखों में एक कण ऐसा था लाखों में एक अल्फा कण ऐसा था लाखों में एक अल्फा कण ऐसा था जो वापस मुड़ गया था एक सौ अस्सी पे तो उसने कहा कि वो एक सौ अस्सी पे क्यों मुड़ गया था तो रीजन पता चला क्या पता है रीजन ये चला कि ये जो अल्फा एक सौ अस्सी डिग्री पे मुड़ा वो नाभिक से टकरा के आया था नाभिका मतलब एक ऐसी जगह जहां पे उस एटम का पूरा का पूरा मास पड़ा है पूरा उसका खजाना पड़ा है तो उसने किसके बारे में बताया था बेटा के बारे में बताया था इसके बारे में बताया था नाभिक के बारे में प्रोटॉन के बारे में बताया था ये बच्चे ने कमेंट में किया है गलत बात कोई प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया झूठी बात गलत याद नहीं करते हैं परमाणु ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है एनडीए 2021 सेकंड सेकेंड पेपर आपका टेका। परमाणु ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन परमाणु ऊर्जा जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है परमाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा परमाणु ऊर्जा बेटा सूर्य पे इतने अरबों खरबों साल से इतनी रोशनी जनरेट हो रही है और पृथ्वी पे आ रही है और बाकी ग्रहों पे भी जा रही है भाई सब जगह खत्म नहीं हो रही क्यों क्योंकि वहां क्या हो रहा है बेटा छोटे छोटे नाभिकों का जुड़ना नाभिकीय संलयन फिर उसका विखंडन अपन विखंडन जो करवा रहे हैं नाभिकीय बट्टी में नाभिकीय रिएक्टर में वो आर्टिफिशियल करवाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का हम उपयोग क्या करते हैं धारा बनाने में टर्बाइन चलाने में किसी दूसरे यूज में तो विखंडन ये भी विखंडन संलयन संलयन अपने जो यहां पे कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा के लिए वो सूर्य की बात हमने करी इसकी अभिव्यक्ति आइंस्टीन के द्वारा दी गई अब ये वाला मामला फंस गया परमाणु विखंडन और फिर आइंस्टीन परमाणु विखंडन फिर अदरफूर्ड ये एक पॉइंट में अपने सिलेबस में नहीं डाल रखा कि परमाणु विखंडन को किसने एक्सप्लेन किया या किसको रिलेट करता है तो ये वाली बात थोड़ी सी सरप्राइज है बाकी चलो ठीक है न्यूटन तो आइंस्टीन तो ये दो चार ऐसे कॉमन नाम है जो हर जगह मिलेंगे टैलेंट था बंदे का बड़ा गजब वाला पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट याद रखना बेटा विकंडन और आइंस्टीन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया अच्छा अगले सवाल पे चलो इससे पहले बैक ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने इस पे प्रजेंट लगा दिए कहने के बाद भी बड़े कंजूस बच्चे होते हैं मैंने कहा बेटा महायज्ञ का इवेंट लगा दिया है हम इसके कंटेंट पे काम करना है, स्टार्ट कर दिया है आपको एक काम दिया कि बेटा क्लास से पहले केवल इतना करना प्रेजेंट लगा देना वो भी तुमने नहीं ला हम कंटेंट रेडी कर रहे हैं क्लास का तुम्हें लाइक like के लिए बोला वो भी तुमने परजेंट नहीं लगाई उस पर चौदह अप्रैल को सुबह सात बजे चलेगा कल अपने इसका टाइम टेबल भी आ जाएंगे क्लास में कल अपन क्या करेंगे इसका टाइम टेबल भी लेके आएंगे बेटा ओके तार के अक्ष से एक विशेष दूरी पर धारावाही तार की चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता तार के अक्ष से एक विशेष दूरी पर धारावाही तार की चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता तार के अक्ष से विशेष दूरी पर तार की चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता बेटा अगर वायु सावर्थ का नियम लेते हैं तो डी बी बराबर के आई डी एल साइन थी बटार स्क्वायर देखो देखे तार में धारा पे निर्भर करता है हाँ जी धारा पे निर्भर करता है तार की त्रिजा पे निर्भर करता है त्रिजा पे नहीं करता सर ये आर अरे बेटा ये तो दूरी है जो तार की दूरी है ना वो है त्रिजा नहीं है त्रिजा नहीं है परिवेश के तापमान पे नहीं पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बट अरे सॉरी पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका करंट पे डिपेंड करता है जल्दी बताओ बेटा फास्ट पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा बायो सावट का नियम कहते हैं इसको डी बी बराबर के आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर के आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर ऑप्शन आपका ए राइट आंसर ओके चलो नेक्स्ट अगला सवाल हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है नाभिक से बंदा होता है तो उसकी जो खुद की ऊर्जा होगी वो तो नेगेटिव होगी लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं बाहर से अभी पीछे बताया मैंने वो किस में देंगे पॉजिटिव में लेकिन उसकी खुद की ऊर्जा क्या होती है नेगेटिव होती है तो फिलहाल बेटा कन्फ्यूज मत हो जाना इस कन्फ्यूज को दूर करने के लिए मैं ये सवाल लेके आया हूँ ये कन्फ्यूजन ना रहे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है खुद की ऊर्जा नेगेटिव होती है लेकिन बाहर से निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसे क्या बोलते हैं बड़ा आयनन ऊर्जा बोलते हैं अभी पीछे बताया था ना आयनन ऊर्जा मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो याद आया था ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन प्लस में बताए थे है ना तो ऑप्शन अपना बी खुद की ऊर्जा नेगेटिव होगी बाहर से निकालने के लिए देंगे वो पॉजिटिव देंगे हाँ तो भाई साहब लालच बड़ा महंगा पड़ गया भाई बोलने नहीं दे रहे थे एलईडी का पूर्ण रूप है एलईडी का पूर्ण रूप है एलईडी का पूर्ण रूप है, है। बेटा इसका मैंने क्या नाम याद करवाया था आपको एल ई और डी लाइट हिमिटिंग डायोड लाइट हिमिटिंग डायोड लाइट हिमिटिंग डायोड एलईडी लाइट हिमिटिंग डायोड LED light emitting diode LED light emitting diode LED light emitting diode chalo next hmm. एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखे एक छड़ चुंबक द्वारा अनुभव किए गए कुल पल को क्या कहते हैं कुल बल को क्या कहते हैं एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखे छड़ चुंबक द्वारा अनुभव किए गए बल को तो बेटा एक समान चुंबक के क्षेत्र में जो छड़ पे बल लगता है बेटा देखो दो बल लगेंगे एक छड़ पे बल लगेगा वो होगा आपका बिल साइन थीठा एक लगता है चार्ज पार्टिकल पे उस पे जो बल लगता है वो लगता है क्वाब साइंथीटा क्वाब थीटा और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे जो बल आपका लगता है वो होता है बिल साइन थीठा तो बिल साइन थीटा क्वाब थीटा यहाँ पे एक बार सवाल को पढ़ते हैं समझते हैं एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखे गए छठ चुंबक द्वारा सवाल को इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्चुअल में ये कहने की कोशिश इसने करी है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा लेकिन उसको पैरल रखा है या परपेंडिकुलर रखा है तो ये जो बल है उस बल को अगर समान चुंबक क्षेत्र में रखा है इसने एंगल दिया नहीं तो अगर अपन जीरो डिग्री लेते हैं अगर थीटा बराबर तो बल तो बिल लगेगा साइन जीरो साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा जीरो तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लगा देंगे ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर लेकिन एक डाउट आया है इस सवाल को लेके कि सर इसने बोला नहीं हमें कि जीरो डिग्री पे रखा है हम जीरो डिग्री लेके आंसर दे रहे हैं तो क्या हमारा आंसर सही होगा देखो बेटा कन्फर्म सही होगा क्योंकि बाकी ऑप्शन एक बार चेक करो चुंबक की लंबाई पे निर्भर करता है एल पे डिपेंड करता है सर हम ये भी लगा सकते हैं अभी रुको कभी शून्य नहीं होगा शून्य हो सकता है आपका जीरो डिग्री पे तो ये तो वैसे गलत हो गया तापमान पे निर्भर करता है बिल्कुल नहीं करता सर मैं बी ऑप्शन भी सही लगाना चाहता हूं अगर आप ये मानो कि अगर वो जीरो नहीं है तो लंबाई पे डिपेंड कर रहा है लेकिन अगर वो ऑलरेडी जीरो हो चुका है तो फिर वो लंबाई पे डिपेंड कैसे करेगा तो अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है जीरो तो आंसर मतलब एंगल जीरो डिग्री हो गया एंगल जीरो हो गया बल जीरो हो गया। आप ये कहो कि सर मैं तो बी लगाऊंगा तो बी का मतलब हो गया कि बल जीरो नहीं है और बल जीरो का नहीं है इसका मतलब बल है बिल साइन थीटा थीटा का मतलब नब्बे साइन नब्बे का मान एक तो बराबर क्या हो गया बिल तो क्या अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हो तो मुझे इस बात से क्लियर करो इसने कहा कि एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखा लेकिन क्या ऐसा कहा है कि नब्बे डिग्री पे रखा एक समान चुंबक के क्षेत्र में रख रहे हैं तो पैरेलल के लिए तो बोला नहीं बोला चलेगा लेकिन अगर परपेंडिकुलर रख रहा है तो फिर तो बोलना बनता है ना पर बोलना पड़ेगा लॉजिक है बात में इसको समझना है इसलिए हमने जीरो लगा ठीक है इसलिए हमने क्या लगाया है जीरो लगाया चलो नेक्स्ट रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था रदरफोर्ड अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग शायद ये सवाल अभी मैंने पीछे किया था और सेम सवाल आपका फिर से रिपीट हुआ है सेम सवाल आपका फिर से रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है सेम सवाल आपका फिर से रिपीट हुआ है और वो किसमें रिपीट हुआ है वो रिपीट हुआ है नाभिक के लिए क्योंकि अल्फा कणों के प्रयोग से रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो लाखों में से एक पार्टिकल था जो उसकी नाभिक से टकरा के वापस आया था उस पर पूरा का पूरा मास बोला सेंटर है केंद्रित है तो वो आपका आंसर चलो तो आंसर आपका इसमें सी नेक्स्ट <laughs> न ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रेज इज नॉट करेक्ट पहले तो मैं एक हल्का सा इशारा कर दूं दू किरणों के का मतलब समझ लेना तुम इलेक्ट्रॉन ये मान के चलना केथोड़ किरणों का मतलब तो मान के चलना कि वो इलेक्ट्रॉन है अरे यार सर लीक कर दिया आपने तो इसका पहला ऑप्शन देखो आप हैं पहला ऑप्शन देखो कैथोड किरणें कण इलेक्ट्रॉन है कैथोड रे पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन साल लो कर लो बात तो सही है भाई हमें क्या निकालना है हमें नॉट करेक्ट निकालना है हाँ अब पता चला पहला ऑप्शन तो है लेकिन वो सही है हमें गलत पता करना है चलो आगे चलते हैं कैथोड किरणें एक कण एनोड से शुरू होते हैं और कैथोड की ओर बढ़ते हैं एनोड से शुरू होने का कोई लॉजिक ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का कोई ही नहीं है किरने मतलब इलेक्ट्रॉन तो फिर ये एनोड से, कहां से निकलेगा सवाल को सीखना समझना जरूरी है ध्यान देना उस पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणें सीधी रेखा में यात्रा करेगी बिल्कुल अगर बेटा सुनो अनुपस्थिति का मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है अगर होता तो क्या होता बेटा अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता और तो पार्टिकल के ऊपर चार्ज है नेगेटिव जब आवेश होता है कण पे तो वह क्या हो जाता है अपने पात से भटक जाता है अपने पात से डेविएट हो, हो, हो जाता है अपने पात से विचलित हो जाता है और जब वो अपने पात से विचलित हो जाता है कब जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हो लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो तो क्या वो अपने पाथ से विचलित होगा नहीं नहीं नहीं। तो इसने कहा अनुपस्थित है तो वह सीधी रेखा में जाएगा तो ये बात तो सत्य है ये बात तो सही है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब के तोड़ रे ट्यूब है भाई ये चीज मैंने देखने की काफ़ी कोशिश करी दुकान वाले से भी पूछा लेकिन भाई साहब दुकान वाले ये शक की नज़रों से देखते हैं आप टीवी लेके जाओ और उस पर कुछ घर आजकल के टीवी में तो आता ही नहीं है पिक्चर ट्यूब वाला रही सीन पहले नहीं आता था वो पीछे की तरफ पूँछ आती थी हम कहते थे टीवी की पूछ बड़ी लंबी है यार इसकी पीछे की तरफ है ना वैसे जो बड़े वाले टीवी आते थे आज के दस बारह साल पहले आजकल तो टीवी क्या आता है एक प्लेट आती है दीवार पे लगा दो खत्म खेल उसको पूछो कि भाई साहब ये पिक्चर टू पिक्चर ये क्या है ले जाओ भाई साहब ले जाओ ले जाओ ये लो तुम ले जाओ तुम सही कर लेना खुद ही कर लो जाओ तुम खुद ही बिस्तरी हो यार मुझे काम करने दे नहीं रहे हो इतना आता तो तुम खुद ही कर लो अरे भाई मैं तो ऐसा पूछ रहा हूँ थोड़ा नॉलेज नॉलेज के लिए मैं क्लास नहीं लगा रहा सर आप आप शांति आप से बैठे मुझे काम करने दीजिए कई लोग ऐसे कई लोग आप पूछो तो बताएंगे बड़े प्यार से देखो जी ये पिक्चर ट्यूब है इसमें ऐसा होता है इसमें ऐसा होता है कैथोड रेज़ इसमें निकलती है करंट फ्लो के दौरान और वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है पिक्चर से जनरेट करती है कोई बंदा एक्सप्लेन करेगा नाइस बंदा डिपेंड करता है नेचर क्या है तो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब कैथोड रे ट्यूब है सही बात है इसमें कोई दो राय नहीं है तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट केवल बी में मिल गया बी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है बी हमारा स्टेटमेंट है जो हमने निकाल लिया <laughs> ही होता है सर स्थाई कक्षा ओ हो 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 निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ये किसने बताया और ये सवाल बच्चा गलत करता है ये सवाल बच्चा गलत करता है ये सवाल बच्चा गलत करता है स्थाई कक्षा की अवधारणा किसने दी रदरफोर्ड ने नहीं रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे और अंत में नाभिक में गिर जाते हैं। स्थाई कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी स्थाई कक्षा की अवधारणा दी थी बाद में आके किसने करेक्ट किया था बोर ने ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बोर्न ऑप्शन ए आपका राइट आंसर करेक्ट है चलो नेक्स्ट चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु से निकलती है बावली बात कर रहे हो के क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु से निकलती है। अरे एन से निकलेगी और एस में एंट्री मारेगी और से की तरफ भी तो आएगी एक बिंदु से निकलती है अच्छा जी एक दूसरे को पार नहीं करती है काटती नहीं है ये बात तो सही है तो ध्रुवों के क्षेत्र रेखाएं सिरों पर बिल्कुल सीधी नहीं होती है हां थोड़ी सी मुड़ी होती है यहां से जहां से निकलती है वहां से थोड़ी मुड़ी होती है सीधी नहीं होती है बिल्कुल है ना एक बार चुंबक के भीतर कोई क्षेत्र रेखा नहीं होती एक बार चुंबक मैं सोच रहा हूं एक बार है ना एक बार नो फील्ड लाइंस विद इन ए बार मैग्नेट बार मैग्नेट के भीतर क्षेत्र रेखाएं नहीं होती ये लो बार मैग्नेट है ऐसे एन की तरफ होती है ये बोल रहा नहीं होती है तो ये भी गलत है फिर तो एक बिंदु से निकल सकते हैं पहला ऑप्शन भी तो यार एक बिंदु से कैसे आप बोलोगे एन से निकल रही है, अच्छी बात है लेकिन ऐस में एंटर मार रही है तो दोनों रोंग कैसे दो ऑप्शन रोंग कैसे होंगे चेक करो बेटा एक बार इसकी लैंग्वेज देखो सिरों पर बिल्कुल सीधी नहीं होती है थोड़ी मुड़ी होती है थोड़ी सी मुड़ी होती है बिल्कुल सीधी नहीं होती पहला और चौथा ऑप्शन डाउट आ रहा है इसमें एक बिंदु से निकलती है डी तो कन्फर्म गड़बड़ है डी तो कन्फर्म गड़बड़ है, इसको कैसे अपन कन्वेंस करें वे एक बिंदु से निकलती है एक बिंदु से एक पॉइंट से ये चीज समझ ली आप एक पोल बोलो कि एन से निकल के ऐसमें जाता है ठीक है चलो एक बिंदु पोल ये मान के आपको अपने आप को आत्मसंतुष्टि देनी पड़ेगी बाकी डी तो कंफर्म रोग है ये कह रहा है कि अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती नहीं है भाई अंदर चुंबक क्षेत्राएं ऐसे एन चलती है होती है इस बात का ध्यान रखना ठीक है तो डी ऑप्शन तो रोंग है तो अपना आंसर डी लगाओ फिर बेटा आप अपना आंसर डी लगाओ यूपीएससी का पेपर का है तो एक बार इसके आंसर की भी आप चेक कर लेना इसके आंसर की भी एक बार आप चेक कर लेना क्या दिया है डी दिया है या ए, क्योंकि डी तो क्लियर रोंग है तो डी ही दिया होगा डी तो क्लियर रोंग है तो हो सकता है डी दिया हो, एक पॉइंट से निकल सकती है मतलब एन से हाँ ये मान सकते हैं रद्र के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं रद्र के अनुसार बताना बेटा हा रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताना ये मत बताना रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है ना परमाणु के अंदर वो कैसे हैं रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन चक्का लगाएंगे ऐसे और अंत में क्या क्या हो जाएंगे बेटा नाभिक में गिर जाएंगे अंत में क्या हो जाएंगे नाभिक में गिर जाएंगे तो ये अनस्टेबल था फिर बाद में स्टेबल किसने किया था इसको बोर ने बताया था कि भाई वो ऐसे चक्कर नहीं लगाता वो ऐसे चक्कर लगाता है अपनी कक्षा में ऐसे चक्कर लगाता है ठीक है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा खनिज परमाणु ऊर्जा केंद्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज परमाणु ऊर्जा केंद्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज परमाणु ऊर्जा केंद्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में खनिज परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर ईंधन फ्यूल के रूप में hmm. ऑक्साइड का तो नहीं करेंगे ईंधन के रूप में खनिज परमाणु ऊर्जा पर ईंधन के रूप में पिंच ब्लेड पार। पिंच ब्लेड पिंच ब्लेड ही होना चाहिए इसको एक बार रीचेक कर लेना बेटा परमाणु खनिज परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर ईंधन के रूप में पिंच ब्लेड का यूज करेंगे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर फ्यूल के रूप में ईंधन के रूप में खर्च करेंगे वहां पे पिंच ब्लेड आपका जो है ये बेस्ट फ्यूल आपके कंजप्शन के रूप में यूज किया जाएगा तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर नेक्स्ट रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु में होता है रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु में होगा क्या होगा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु में होगा परमाणु में क्या होगा अच्छा जो रिजल्ट था आया था उसी को घुमा के पूछ रहा है कि परमाणु में क्या हो गया है रदर के हिसाब से जो प्रकीर्णन प्रयोग था उसके हिसाब से कि परमाणु में क्या है नाभिक है जहाँ पे उसका टोटल का टोटल मास क्या है केंद्रित है ठीक है ठीक है तीसरी चौथी बार ये सवाल आया होगा शायद इस पैटर्न पे सवाल की जो लैंग्वेज है उसके पैटर्न पे बेटा देखो आंसर इधर है बाबू हेलो आंसर इधर होगा ये ऑप्शन होंगे आंसर यहां चेक करने हैं आपको परिणालिका के बारे में कौन से स्टेटमेंट उन पे विचार करो चलो परिणालिका पे विचार करो सोलेनोइड पे और सोलेनोइड पे ऑलरेडी हम विचार कर चुके हैं पीछे तो बड़े अच्छे सवाल आपके बनते हैं ठीक है बड़े अच्छे सवाल आपके बनते हैं है ना एक बात समझ नहीं आई मुझे एक बात समझ नहीं आई मुझे एक सेकंड रुकना एक बार इसी ने बड़ा सरप्राइज कर दिया यार इतनी देर में सोच रहा हूँ ऐसी चल क्यों नहीं रही और भाई साहब अचानक से इतना जबकि लाइट इसमें पहले भी थी अब भी थी तो इसने तो भाई साहब गदर मचा दिया अचानक से क्या सीन था लोड नहीं ले रही थी क्या? किसी परिनालिका पे विचार कीजिए पहला किसी परिनालिका में चुंबक के क्षेत्र की प्रबलता परिनालिका में प्रति प्रतीकाई लंबाई फेरों की संख्या पर निर्भर करती है बिल्कुल करती है भैया देखो बी बराबर म्यू नोट एन आई एन पे डिपेंड करती है सही बात है परिणालिका में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिणालिका में तार में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करती है हाँ धारा पर डिपेंड करती है सही बात है परिणालिका चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता प्रणालिका के व्यास पे यह झूठ बोल दिया भाई चार झूठा पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है तो पहला और दूसरा करेक्ट है तो डी लगाओ ना बाबू डी लगाओ ना अड़तीस में लास्ट ऑप्शन में टाइपिंग ईरर है ओके okay, चलो चेक कर लेंगे अभी अड़तीस में एक का होगा पता नहीं क्या कह रहे हो अड़तीस कहाँ रह गया एक मिनट बेटा अड़तीस में टाइपिंग इधर है पता नहीं क्या ईर है बेटा चेक कर लेंगे इसको ना आप एक बार लैंग्वेज को वेरीफाई कर लेंगे ठीक है इस पर पहले टाइम आपने दे दिया है वो टाइम देंगे तो अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट एक बार लैंग्वेज देख लेंगे उसकी यूपीएससी के पेपर के साथ वो टाइपिंग मिस्टेक कर ली होगी टीम ने परमाणु रिएक्टर के पीछे मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है परमाणु रिएक्टर बेटा ये जो परमाणु रिएक्टर होता है ये कंट्रोल चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है या अनकंट्रोल सोचो कंट्रोल का एग्जाम्पल है या अनकंट्रोल का विखंडन होता है और फिर बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है विखंडन मतलब टूटना और फिर बहुत सारी ऊर्जा निकलती है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर नेक्स्ट गलत कर रहा है भाई आज तो जान निकल रही है इतना पेन करता ना मैं क्लास के अलावा मौन धारण कर लेता हूँ तो बाकी सब घर वाले ये है, सोचते हैं आज क्या बात है कोई गुस्से में है क्या मैं अपना दर्द छुपा रहा होता हूँ हाइड्रोजन परमाणु में कौन सी राशि एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज बेटा संवेग एम वी आर एच अपन टू पाई का क्या होती है पूर्ण गुणज यानी बराबर NH 2 इसे बोलते हैं है संवेग एंगुलर मोमेंटम पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है चुंबक के क्षेत्र एक राशि है जिसकी दिशा और परिमाण होते हैं चुंबक क्षेत्र एक राशि है जिसकी दिशा और परिमाण हाँ सदिश राशि होती है भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वर्त बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व हाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बेटा निकलती है ना एन से तो ऐसे में जाती है और फिर ऐसे एन चलती है तो ये क्लोज लूप बनाती है राइट चुंबक के का कहीं खुला अरे पागल यहाँ पे क्या बोला यहाँ क्या बोल दिया चोरी पकड़ी गई तेरी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था ना हाँ मिल गया भैया चोरी पकड़ी गई मिल गया है सी ऑप्शन रॉन्ग है ना चलो नेक्स्ट कोई भी दो के क्षेत्र का एक दूसरे को नहीं काटती है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती बताओ जल्दी से क्योंकि बेटा अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही बिंदु पे दो चुंबक के चित्र हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ये भी आपका सही है तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपका डी है है बेटा है ना तो गजब कह ढा दिया भाई इसने सिंगल फैन पे देखो क्या आवाज कर रही है कितनी ठंडी हवा फेंक रही है भाई इतनी देर का पूरा का पूरा जलवाब दिखा रही है ऐसी इसको कम कर दो क्या ऊपर कर देते नहीं तो मेरी लंका लगा देगी आ, इसको कहते हैं कि भाई तू तो छत को ठंडा कर हम अपने आप ठंडे हो जाएंगे नहीं तो ये अपने वो टाटा बाय बाय निम्नलिखित में से किसके फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की परिघटना की व्याख्या की है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने एक्सप्लेन किया प्लांक बोर रदरफोर्ड नहीं केवल और केवल आइंस्टीन भाई बंदा नहीं था भाई साहब दिमाग में कंप्यूटर था सुपर वाला कंप्यूटर सुपर वाला हर जगह हर एक्सपेरिमेंट में का नाम देखो जिधर देखो उधर आइंस्टीन देखो जिधर न्यूटन है देखो नेक्स्ट बोर मॉडल की मान्यता है बोर मॉडल की मान्यता है बोर मॉडल की मान्यता है बोर मॉडल ने बताया था का द्रव्यमान अनंत है विराम में है बहुत ज्यादा है विराम में है सही बात है क्वांटीकृत कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हाँ कक्षा में ऊर्जा उत्सर्जन अवशोषण नहीं करता हाँ एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता ना तब करता है तो वो बात अलग है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहता है डी लगाओ ना फिर तो सारे ऑप्शन आगे डी लगा दो भैया सारे ऑप्शन आ गए बेटा डी लगा दो फटाफट से सारे ही ऑप्शन आ गए इसमें तो डी लगा दो डी लगा दो भैया सारे ऑप्शन आ गए नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्टेट वायर एट पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स ऑन धारावाही सीधे तार के द्वारा बाहर किसी बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र निर्भर करता है अरे बाबा अभी पीछे बताया था ना उसी का तरीका ये धारावाही चालक तार थीटा एंगल पे हर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना आई धारा इसमें बह रही है याद आया वायु सावर्थ का नियम डी बी बराबर के, के आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर के आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर धारा वाई सीधे तार के द्वारा तार के बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय स्थित निर्भर करता है दूरी के वित्त कर्मानुपाति दूरी के समानुपाती छोटी दूरी पर वित अधिक पे समानुपाती, ये क्या मजाक चल रहा है टाइपिंग इरर है पीछे पढ़ो डायरेक्ट इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट डायरेक्टली डिस्टेंस फ्रॉम इट स्क्वायर तो कहीं बोला ही नहीं इसने सीधे धारावाही चालक तार के कारण बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र धारावाही चालक तार का स्क्वायर तो बोला ही नहीं दोनों में लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में लैंग्वेज तो सेम है बेटा चेक करना इसकी लैंग्वेज एक बार चेक करना यहाँ पे स्क्वायर वर्ड आना चाहिए ना दूरी के वर्ग के दूरी के वर्ग के वित्त कर्मानुपाती ये टाइपिंग मिस्टेक इंग्लिश में भी इतनी टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो रही है बेटा है ता? सीता तार ओ हो हो, हो। रुको 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 हम एंगल पे निकाल रहे हैं और ये बोल रहा है आपका सीधा वायर म्यू नोट आई अपॉन टू आर तो इन्वर्स में प्रोपोर्शनल आ जाएगा सही है बेटा सही है सही है सही है दूरी के वित कर सही है सीधा तार अच्छा पॉइंट था बच्चे का नोट करने का बड़ा अच्छा लगा शाबाश बेटा बहुत बढ़िया नोटिस ही नहीं किया इस बिंदु को तो अपने नोट ही नहीं किया स्टेट वायर की बात हो रही है तो म्यू नोट आई अपन टू आर म्यू नोट आई अपन टू आर आर बटे में आ गया है ना तो विथ अनुपाती केवल दूरी के विथ अनुपाती अगर एंगल देता तो फिर बायो सावट का नियम लगाते तो फिर यह फॉर्मूला काम में आता और अपने यही चीज गड़बड़ करी है इसमें चलो कोई बात नहीं हाँ बेटा ए ही सही है ए ही करेक्ट है टाइपिंग मिस्टेक नहीं है ए ही करेक्ट है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या के योग के बराबर होता है अच्छा बेटा परमाणु द्रव्यमान संख्या में कौन कौन आता है परमाणु द्रव्यमान संख्या में कौन कौन आता है परमाणु द्रव्यमान संख्या में कौन कौन आता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन ऑप्शन आपका बी राइट आंसर ऑप्शन आपका बी राइट आंसर नाभिकी द्रव्यमान संख्या 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 की द्रव्यमान संख्या की द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या से कम कम तो नहीं होगी अधिक हो सकती है समान हो सकती है संख्या से अधिक कभी समान हाँ अधिक भी हो सकती है समान हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती देखो बेटा कैसे देखो हीलियम ने नाभिक में टू एच ई फोर ज़्यादा है ना वन एच वन देखो बराबर है बराबर हो सकती है ज़्यादा हो सकती है तो डी ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए ठीक है डी आना चाहिए इसमें क्या आना चाहिए बेटा डी आना चाहिए देखो इसमें बराबर आ गया ना वन एच वन में परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या बराबर है हीलियम में देखो दो टू एच ई फोर ये दो है ये चार है तो ये ज़्यादा हो गया तो कभी परमाणु संख्या से अधिक कभी समान है कभी बराबर बराबर वाली ये कंडीशन अधिक वाली ये कंडीशन तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर करेक्ट है बेटा क्लियर है चलो बढ़िया यस हाफ सेंचुरी हो गई और मेरे जस्ट बाद में अभी इंग्लिश की क्लास होगी थोड़ा सा आपको रेस्ट देते हैं आज मेरी भी जान निकल रही है बढ़िया वाले तरीके से लंका लगी पड़ी है ठीक है बेटा वीडियो को लाइक नहीं कर रखा बहुत सारे कंजूस बच्चे हैं अपनी क्लास में बेटा इतनी कंजूसी मत करो बचा कहां के कहा लेके जाओगे ये प्रोपकार यही रह जाएगा है ना कॉन्फिडेंस है ना और कल समथिंग स्पेशल क्लास होने वाली है ध्यान रखना ये वाली क्लास कल क्लास का पैटर्न अलग होगा अलग तरीके से पूछे जाएंगे सवाल आपको तो कल के लिए तैयार हो के आना अच्छे से फिक्स ग्यारह बजे ठीक है ओके okay बेटा तो लाइक कर देना क्लास को जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस कर लेना ठीक है चलो और ये जो क्लास है इसके सारे के सारे नोट्स आपको नोट्स बेच में अवेलेबल है एन में एन के और एयरफोर्स में आई वाले जो नोट्स बेच में वो अवेलेबल आपको मिलेंगे डाउट रहता है बेटा तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं ठीक है चलो थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय बाय जय हिंद